साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कक्षा 12 की ये हमारी दूसरी क्लास है। यदि आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लें, उसमें आपको कूलाम का नियम कवर करवाया गया है। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कवर करेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि साथियों, आप लोग यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नई वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। साथियों, पिछले वाले वीडियो में हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा है और कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि एग्जाम में जरूर आता है। तो वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो मान लीजिए हमारा कोई आवेश है जो कि यहाँ पर स्थित है। मान लीजिए कोई आवेश है, आप किसी धन परीक्षण आवेश को, मान लीजिए क्यू आवेश है, किसी धन परीक्षण आवेश को इसके पास में लाने पर, इसके पास में लाने पर, या जहां मान लीजिए यहां पे है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा, आप इसको और करीब लाते हैं तो यहां पर या तो ये आकर्षित होता है या फिर प्रतिकर्षित होता है। अर्थात कहने का मतलब, इस जो आवेश है, इस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है वो यहां तक है, क्योंकि इसके वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करते ही इस पर एक बल लगेगा। वो बल आकर्षण बल का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल का हो सकता है। आप समझने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी खूंटे से कोई गाय बंधी है तो इसका जो पथ होता है एक वृत्ताकार के रूप में होता है, ठीक है। तो इसी तरह किसी केंद्रीय स्थान का जो क्षेत्र होता है चारों ओर का, वो एक वृत्ताकार पथ में रहता है। अब इसी तरह से जो हमारा आवेश स्थित था, जो हमारा आवेश बिंदु आवेश स्थित था, इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये भी एक वृत्ताकार क्षेत्र में होगा। तो मान लीजिए यहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र है वृत्ताकार पथ पे। अब जब कोई आवेश को लाएंगे तो जब तक इसके वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा तब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा, ना आकर्षण बल लगेगा और ना प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जैसे इसके वैद्युत क्षेत्र में ये प्रवेश करेगा, इस क्यू के वैद्युत क्षेत्र में जैसे ही हमारा धन परीक्षण आवेश प्रवेश करेगा, इस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अब ये परिभाषा की बात की जाए, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा की बात की जाए तो हो जाएगा कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अर्थात जो धन परीक्षण आवेश ला रहे हैं वह या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो परिभाषा देख लेते हैं, किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। कहने का मतलब है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
वैदुच्छेद कहलाता। साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा और जितने भी पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहे हैं उसमें आप उसको नोट करते चलिएगा ताकि एग्जाम टाइम में आपको दोहराने में आसानी हो। तो साथियों, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो साथियों तीव्रता से तात्पर्य होता है कि उसका जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितनी तेजी से या कितने कम, मतलब कितने धीरे से लग रहा है। अर्थात इस पे जो धन परीक्षण आवेश है इस पे जो तीव्रता होती है किसकी, इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की जो तीव्रता होती है, मतलब कितनी तेजी से या कितने धीमे से इसका आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इस धन परीक्षण आवेश पर काम कर रहा है। सीधी से भाषा में समझा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये मतलब है कि जो हमारा आवेश स्थित है इसका इस बिंदु पर जहां पर धन परीक्षण आवेश है वहां पर कितनी तेजी से इसका प्रभाव है, वही प्रभाव ही उसकी तीव्रता कही जाती है। अब जैसे 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 आप इसके करीब लाएंगे इस परीक्षण आवेश को, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए दो चुंबक हैं, तो चुंबक जितने पास रहते हैं आपस में उतना उनके बीच में बल अधिक लगता है, तथा जैसे जैसे उस चुंबक को, एक चुंबक को दूर लेते जाएंगे करते जाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच जो चुंबकीय बल है वो कम होता जाएगा। इसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र भी है, जैसे जैसे इसके करीब लाएंगे जो स्थिर बिंदु आवेश है धन परीक्षण आवेश को, वैसे वैसे इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो सबसे कम कहाँ रहेगी, तो सबसे कम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके एकदम बाह्य बिंदु पर रहेगी, मतलब जो क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र उसके एकदम बाहरी वाले भाग पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम रहेगी और इसके सबसे पास सबसे ज्यादा रहेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा की बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश, मान लीजिए यहां पर हमारा कोई परीक्षण आवेश स्थित है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, इस पे जो बल लग रहा है किस पे, धन परीक्षण आवेश पर, अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान की निष्पत्ति को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। साथियों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की तीव्रता होती है उसे ई एरो से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है अर्थात यव, तथा जो परीक्षण आवेश का मान है अर्थात क्यू ना।
साथियों एक बार फिर से देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात की जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षक आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा लगने वाला बल या अनुपात या बटे क्यू नॉट अर्थात जो परीक्षक आवेश है उसका मान। साथियों आशा है कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, यदि फिर भी कहीं पर डाउट है तो अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथियों यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए क्योंकि वो वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।